कासगंज से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला को जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। महिला की चीख पुकार पर मदद को जुटे ग्रामीणों ने महिला को अर्धजली हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर चिकित्सकों ने विवाहिता की हालत गंभीर होने के चलते प्राथमिक उपचार के बाद अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया, जहाँ उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं पर विवाहिता के परिजनों ने ससुराल के 3 लोगों पर जिंदा जलाने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने परिजनों से तहरीर पर कार्रवाई शुरू कर दी है। अब जांच के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि महिला कैसे जली है और पूरा मामला क्या है। थाना सर्वे क्षेत्र के बेरोची गांव में एक महिला श्रीमती राजेश कुमार की जलने की बात प्रकाश में आई है। अभी तक जो तथ्य संज्ञान में आए हैं उनके अनुसार उनको विदा कराने के लिए उनके मायके से लोग आए थे, जिस पर ससुराल वालों ने ये कहते हुए कि गेहूँ की कटाई आदि चल रही है, बाद में जाना उन्हें रोका। इस बात से नाराज होकर वो कमरे के अंदर चली गई और वहाँ उन्होंने आग लगा ली। ऐसा बताया जाता है कि लगभग 45% जल गई हैं। उन्हें उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है, जहाँ उनका उपचार चल रहा है। हालात गंभीर अभी उनकी, अभी मैं मौके पर नहीं जा सका, लेकिन 45% जलने की बात प्रकाश में आई, उपचार चल रहा है।